जा रही हूँ तड़का इडली, जिसके लिए मुझे चाहिए एक बोल में सूजी जो कि एक कटोरी है, और एक छोटे कटोरी में आधा बोल दही। अब मुझे सूजी और दही को आपस में मिक्स करना है कुछ इस तरीके से। मैंने सूजी और दही को मिक्स किया हुआ है। अब इसको कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि ये सूजी जो है दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सूजी है इसने दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, और मुझे इसको रखते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मुझे इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है जो है, ताकि एक कंसिस्टेंट बैटर तैयार हो जाए। ये बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ कुकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर एकदम, और देखिए बैटर को सांचे में ट्रांसफर कर लेंगे अच्छे से ग्रीस करके, और फिर इसे स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इडली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पे हमने राई और मिर्ची का तड़का डाला हुआ है। बहुत ही हेल्दी, इजी एंड क्विक रेसिपी है।